के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं है। अब तक दिल्ली में मुफ्त वाईफाई और नए स्कूल कॉलेज खोलने के वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगा हुआ है। बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को उनके वादे याद दिला रहे हैं। चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो मुफ्त वाईफाई देंगे, नए स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे दिल्ली में, लेकिन ये वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसको लेकर यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के, जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जमा हुए हैं। जिस तरीके से बाकी सब वादों पे केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, जिन नौजवानों के बलबूते से ये सरकार सत्ता में आई थी, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये दूसरा एडमिशन सेशन है इस सरकार में। 20 कॉलेजों की बात करने वाले किसी कॉलेज में सीट भी नहीं बढ़ा पाए, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस की तो बात छोड़ दीजिए, आईपी यूनिवर्सिटी के लिए तो सरकार को कुछ करना ही नहीं था, केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वालों को एफिलिएशन देनी थी, उसको ये नहीं दे पाए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के माध्यम से एफिलिएटेड कॉलेज खोले जा सकते थे, वो नहीं खोल पाए। तो केवल कोरी नारेबाजी ये करते रहे। दिल्ली का छात्र आज, उनके अभिभावक पूरी तरीके से स्तब्ध है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बच्चों का एडमिशन दिल्ली में होगा कैसे। तो अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाते हुए कि अपना वादा भूल गए अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने चुनावों के वक्त लोगों से किया था, दिल्ली में नए स्कूल कॉलेज खोलने का वादा पूरा नहीं हुआ है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक और मांग जो कांग्रेस की तरफ से रखी जा रही है वो है मुफ्त वाईफाई, जिसका वादा चुनावों के समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं संवाददाता अभिनव उपाध्याय का। अभिनव, देख सकते हैं हम बड़ी तादाद में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, और हम सुन भी रहे थे अमरिंदर सिंह लवली को स्कूल कॉलेजों की बात करते हुए। और क्या क्या बातें हैं और क्या क्या मांगे हैं जिनके साथ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, युवा कांग्रेस ने उन तमाम बातों को निकाला है जिन बातों का वादा करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता का जिम्मा संभाला था, लेकिन दिल्ली की सत्ता में आने के बाद वो तमाम वायदे जो है 70 से भी ज्यादा वायदे किए थे जिन्हें पूरा किया जाना था, लेकिन बहुत से वादे पूरा करना तो दूर, उन तक पहुंच भी नहीं पाई है सरकार। और इसी बात को लेकर युवक कांग्रेस के तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और वहीं साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वरिष्ठ, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर हालांकि काफी तादाद में मौजूद है, और अब देखने वाली बात रहेगी कि और कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट चलता है। बिल्कुल, पहले से प्लान था ये? जी हाँ, कल शाम को ही इस बात की इत्तला युवक कांग्रेस की तरफ से दे दी गई थी कि आज एक प्रोटेस्ट किया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और वो तमाम उन तमाम वायदों को युवक कांग्रेस याद दिलाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनका वायदा उन्होंने दिल्ली की जनता से किया था। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट भी दिया था, लेकिन वायदे पूरे नहीं हुए हैं। ये एक अच्छा मौका कांग्रेस ने तलाशा है दिल्ली सरकार को घेरने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिनव इस जानकारी के लिए।